हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको दुनिया के 5 सबसे अजीबोगरीब और विचित्र पेड़ों के बारे में बताने वाला हूँ। इसलिए अगर आपको ये जानना हो कि वो कौन सा ऐसा पेड़ है जिसको काटने पर खून निकलता है, तो ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 1, रेनबो यूकेलिप्टस। दोस्तों, रेनबो यूकेलिप्टस पूरी धरती पर मौजूद यूकेलिप्टस की सभी प्रजातियों में से सबसे खूबसूरत और सबसे आकर्षक प्रजाति है, क्योंकि इस पेड़ के तने की छाल पर आपको उतने रंग देखने को मिलेंगे जितने कि एक रेनबो में होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, ये एक एवरग्रीन पेड़ है जिसका जीवन काल लगभग 150 सालों तक होता है, और ये एक बहुत तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है जिसकी लंबाई अधिकतम 250 फीट तक जाती है। दोस्तों, ये पेड़ सिर्फ न्यू गिनी, इंडोनेशिया और फिलीपींस में ही पाए जाते हैं। वैसे तो ये पेड़ हर एक साल में लगभग 3 फीट तक बढ़ता है, पर एक बार एक ऐसा रेनबो यूकेलिप्टस पाया गया था जो महज 18 महीनों में ही 32 फीट तक लंबा हो गया था। नंबर 2, ट्रीज ऑफ क्रूड फॉरेस्ट। दोस्तों, क्रूड फॉरेस्ट पोलैंड देश का एक फेमस लैंडमार्क है जो विचित्र पेड़ों की वजह से जाना जाता है। दरअसल इस फॉरेस्ट में लगभग 400 पेड़ हैं जो एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद अपने आप से ही नीचे की तरफ से सी आकार में मुड़ जाते हैं। पर दोस्तों, इनके इस तरह से मुड़ जाने की सही वजह किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का मानना है कि ये पेड़ ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हें जेनेटिकली ऐसा ही उगाया गया है, और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि शायद इस फॉरेस्ट में गुरुत्वाकर्षण बल की मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए पेड़ यूं नीचे से मुड़ जाते हैं। पर दोस्तों, असल वजह क्या है ये आज तक किसी को ठीक तरीके से नहीं पता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर क्यों ये पेड़ इस तरीके से मुड़ जाते होंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 3, द सोकोट्रा ड्रैगन ट्री। दोस्तों, सोकोट्रा ड्रैगन ट्री भी धरती पर पाया जाने वाला एक बहुत ही अनोखा पेड़ है जो किसी खड़े खुले छाती की तरह दिखता है, और ये सिर्फ यमन नामक एक रेगिस्तानी देश में उगता है जो कि अरेबियन सी के पास है। दोस्तों, इस पेड़ की टहनियों को काटने पर उसमें से लाल रंग का रस निकलता है, इसलिए इसे ड्रैगन ब्लड ट्री भी कहते हैं। साथ ही ये लगभग 32 फीट तक लंबा होता है, और इसका लाल रस कई तरह की दवाइयों को बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये एक एवरग्रीन पेड़ है जो भले ही धीरे धीरे बढ़ता है, पर फिर भी ये खराब से खराब स्थितियों में भी लगभग 6.5 सालों तक जिंदा रह सकता है। नंबर 4, अल अरबोला दीना सबीना। दोस्तों, ये पेड़ स्पेन के कैनरी आइलैंड पर पाया जाता है। इस पेड़ की चौंकाने वाली बात ये है कि ये पथरीले जगहों पर उगता है, और तो और इनकी जड़ें भी जमीन से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन उससे पेड़ को बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती। दोस्तों, ये पेड़ 8 मीटर तक लंबे होते हैं, पर तूफानी क्षेत्रों में उगने के कारण ये बीच से मुड़कर जमीन पर झुक जाते हैं, जिससे इनका आकार ऐसा विचित्र हो जाता है। दोस्तों, झुकने के बावजूद भी ये पेड़ यूं बढ़ते रहते हैं, यहां तक कि ये अपनी टहनियों के साथ जमीन पर ही उगते रहते हैं। नंबर 5, रोडोडेंड्रॉन ट्री। वैसे तो दोस्तों, रोडोडेंड्रॉन एक पेड़ नहीं बल्कि झाड़ी की एक प्रजाति है जो गुलाबी, लाल, सफ़ेद, पीले और बैंगनी रंग के खूबसूरत फूलों से लदी होती है। पर दोस्तों, कनाडा में एक ऐसा रोडोडेंड्रॉन पाया गया है जो लगभग 125 साल पुराना हो गया है और जो लगभग 30 फीट ऊंचा है, इसलिए इसे एक झाड़ी न कहकर पेड़ कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस पेड़ की एक और खासियत ये भी है कि ये पेचिस, कब्ज, दस्त, बुखार, अस्थमा और हर्ट से जुड़ी परेशानियों की दवाइयां बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, रोडोडेंड्रॉन खास करके एशिया में ही पाए जाते हैं, और ये पूरी धरती पर मौजूद लगभग 124 जंगली पौधों की प्रजातियों में से सबसे बड़ी और एवरग्रीन प्रजाति है। तो दोस्तों, इन सभी विचित्र पेड़ों में से आपको कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा विचित्र लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।